अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सादिया चौधरी हेयर। इन माई टूडेज लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विच इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.6 ऑफ चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी हम आज 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और मैं आपको बताती हूँ कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और हमने उनको किन मैथड से सॉल्व करना है। जी व्यूअर्स, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये इक्वेशंस होती कैसे हैं। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन एज। ये जो मैंने नीचे लिखी है ये जनरल फॉर्म है, यानी लीनियर इक्वेशंस की। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशंस की। और ये दो इक्वेशंस हैं इसलिए ये सिस्टम हो गया कितना? टू इक्वेशंस का। और इनमें कितने वेरिएबल्स हैं? टू। एक ये आपका एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। यानी एक्स एंड वाई वेरिएबल टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमें क्या देती हैं? सिस्टम देती हैं। उनकी जनरल फॉर्म ये है। इनमें ए बी सी डी जो है आपके रियल नंबर्स हैं और ये कोफिशेंट्स भी हैं किनके? एक्स एंड वाई के। इस सिस्टम को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। और इनको हमने दो मेथड से सॉल्व करना सीखना है। यानी इनमें जो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है विद टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस करना है वो है मैट्रिक्स। इन्वर्जन मेथड। और जो सेकेंड हमें डिस्कस करना है वो है क्रैमर्स रूल। ये इन दो मेथड से हम इन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालना सीखते हैं और एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी मैट्रिसेस को हमने यूज करना है। इन इक्वेशंस को हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में 8th क्लास में भी इसको सॉल्व करना सीखा होगा बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग के मेथड से, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बहुत सारे मेथड से इनको सॉल्व करने के। लेकिन यहाँ पे हमने 1.6 एक्सरसाइज में इनको मैट्रिसेस के मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा है और ये हमारे पास सिस्टम है किसका? लीनियर इक्वेशंस का। इस क्वेश्चन को हमने दो मैथड से सॉल्व करना है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड से और दूसरा हमें इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड से। अब मैट्रिक इन्वर्जन मैथड में स्टेप बाय स्टेप हम इसको काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा ये होता है कि हमें इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। किस में लिखते हैं हम इसको? मैट्रिक्स फॉर्म में। हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमारे पास थ्री मैट्रिसेस आ जाते हैं। वो थ्री मैट्रिसेस कैसे आएंगे? जो आपके वेरिएबल हैं इनके कोफिशियंट से आपका एक मैट्रिक्स बनता है। जैसा कि ये एक्स का कोफिशियंट है एक मैट्रिक्स, ये यानी एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 2 बन जाएगा। ये वाई का कोफिशियंट है ये -2 बन जाएगा। ये जहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इस कोफिशियंट का साइन है, क्योंकि जो हमारे पास जनरल फॉर्म थी वो हमारे पास इस तरह की फॉर्म थी, उसमें एडिशन का साइन था। तो इसलिए जो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वो आपका इस कोफिशियंट का साइन है, तो ये -2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल क्या आ जाएगा? एक्स एंड वाई। और नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन है इसी तरह से उसके कोफिशियंट भी आ जाएंगे, यानी एक्स का कोफिशियंट 3 आ जाएगा, वाई का कोफिशियंट 2 आ जाएगा। और अगर आप इसको देखें, आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, 2x से मल्टीप्लाई होगा हमें ये टर्म मिलेगी, -2y से मल्टीप्लाई होगा हमें ये टर्म मिलेगी। यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें यही इक्वेशंस क्या वापस मिल जाती हैं, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। और जो इक्वल के दूसरे वाले साइन वैल्यूज हैं वो हम दूसरे पर लिख देंगे, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब यह है कि इनके प्रोडक्ट को बाद में इन वैल्यूज के क्या करना है? इक्वल रखना है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल मैट्रिसेस वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। जी, अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में हम इन मैट्रिसेस को नेम दे देते हैं। जैसे कि मैं इसको स्टेप 2 में नेम दे देती हूँ, इस मैट्रिक्स को ए कह देती हूँ, इस मैट्रिक्स को एक्स कह देती हूँ और इस मैट्रिक्स को बी कह देती हूँ। तो जब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है जो कि एक्स एंड वाई है। तो इसमें मैंने एक्स निकालना है तो ए दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। जब ए को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी तो ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको इसकी लॉजिक बताती हूँ कि हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी।
हमने यहाँ से एक को दूसरा शिफ्ट करना है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यूजुअल सिंप्लीफिकेशन में मैथ्स की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कोई नंबर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में मुझे ए इनवर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं दोनों साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ए इनवर्स जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में देखा था, आप प्लेलिस्ट में मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिटर्न में हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आता है। ये बात भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी, जो मैंने कि यहाँ पे लिखा है। और मुझे इसको ही सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टेप थ्री में मैं क्या करूंगी, स्टेप थ्री में मैं ए इनवर्स कैलकुलेट करूंगी। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है, हमने सबसे पहले इनकी नोटेशंस चेंज करनी है, यानी ये स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या था डिटर्मिनेंट, कि आपने डायगनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मेन डायगनल की आपस में करनी है और जो सेकेंड डायगनल है उनकी आपस में करनी है, और दरमियान में कौन सा साइन आएगा, हमेशा माइनस का, टू टू द फोर एंड थ्री टू द सिक्स, ये प्लस सिक्स हो जाएगा तो टेन, यानी आपके पास जो डिटर्मिनेंट आया वो क्या आ गया, टेन। और ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल है सोल्यूशन निकालना। उसने यहाँ वर्ड लिखा था पॉसिबल, अगर हमारा यहाँ डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो उसका मतलब हम इनवर्स नहीं निकाल सकेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है आपके पास, हम लोग मेन डायगनल की एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और जो दूसरे वैल्यूज होती है उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये एडजॉइंट आ गया आपके पास, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब ए इनवर्स क्या बना, एडजॉइंट को डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट से, टेन से डिवाइड कर दिया। लेकिन मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चंस में इनको सिंप्लीफाई लास्ट में जाके किया, हर वैल्यू को डिवाइड नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शन में बच्चों को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, इस फॉर्मूले को लिखूंगी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। तो पहले ए इनवर्स की फिगर लिख लेते हैं, क्या है ए इनवर्स की वैल्यूज, 1/10 मैट्रिक्स आ गया 2 - 3, 2 and 2, इसके साथ बी मैट्रिक्स आपका ये वाला 4 and 6। अब आपने इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, 2 × 4 + 2 × 6 - 3 × 4 + 2 × 6। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां से 4 × 8 + 6 × 12 - 4 × 3 - 12 + 6 × 12। तो आंसर आ गया ऊपर 20 और नीचे क्या आ गया, 0। अब ये 10 हर मेंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो रिजल्ट क्या आ गया यहां पे, 2 and 0। और इस साइड पे आपकी फिगर क्या थी, x, बेसिकली ये आपका मैट्रिक्स है x एंड y। तो आपके पास जो x वेरिएबल है उसका आंसर क्या आया, 2, और जो y वेरिएबल है उसका आंसर क्या आया, 0। तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने इक्वेशन ऑफ लीनियर या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जी व्यूवर्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्रैमर रूल से सॉल्व करती हूँ। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले मैंने इसको सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, अब इसको मैं सॉल्व करूंगी द क्रैमर रूल से। और क्रैमर रूल के जरिए से भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड से आया। इसके इस रूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, थ्री मैट्रिसेस बनाते हैं। थ्री मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे, एक मैट्रिक्स हमारे पास होता है ए मैट्रिक्स जो इन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है, यानी 2 एक्स का कोफिशिएंट, इसी तरह से वाई का कोफिशिएंट -2 जैसे मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बनाया था। इसी तरह से 3 और क्या आ जाएगा, वाई का कोफिशिएंट 2। ये हमारे पास एक मेन मैट्रिक्स बन गया। अब हम दो मजीद मैट्रिसेस बनाएंगे जो ए एक्स मैट्रिक्स होगा एक और एक वाई ए वाई होगा, जिनसे हम कैलकुलेट करेंगे इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को। अब जो ए एक्स मैट्रिक्स आपका वो हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का स्पेशल वे है, वो ऐसे वे है कि जहां पे आपका वेरिएबल एक्स है, क्योंकि यहां पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, एक्स, तो जहां पे आपके वेरिएबल
एक्स के कोफिशेंट आ रहे हैं जो कि टू एंड क्या है, थ्री है। इस जगह पे हम आपने ये वाले कोफिशेंट्स लिख देंगे, यानी फोर एंड सिक्स, और बाकी जो आपके रिमेनिंग कोफिशेंट्स है वो एज इट इज आ जाएंगे, जो क्या है माइनस टू एंड पॉजिटिव टू। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ए वाई लिख देंगे। ए वाई क्या है, अब यहाँ पे कौन सा कोफिशियंट, कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है, वाई वेरिएबल नजर आ रहा है। इसका मतलब है हम जो वाई वाला वेरिएबल है उसके जो कोफिशियंट्स थे, उनके कोफिशियंट्स माइनस टू एंड टू है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फोर एंड सिक्स। और जो बाकी रिमेनिंग कोफिशियंट्स हैं वो हमारे यही आ जाएंगे, टू एंड थ्री। यानी जो दूसरे वाले वेरिएबल है उसके कोफिशियंट ओरिजिनल वाले आ जाएंगे, सिर्फ रिप्लेस उनके करने हैं जहाँ जो यहाँ पे वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, यानी ए एक्स है, एक्स के भी यहाँ पे कोफिशियंट रिप्लेस होंगे किससे, फोर एंड सिक्स से। और यहाँ वाई है तो वाई के जो कोफिशियंट है वो रिप्लेस होंगे किससे, फोर एंड सिक्स से। अब हम इन तीनों मैट्रिक्स के क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, टू इंटू टू आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस टू आ जाएगा, तो फोर प्लस सिक्स डेट इज इक्वल टू टेन। अब उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, फोर सिक्स माइनस टू एंड टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर मल्टीप्लाई टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाई माइनस टू, तो फोर टू द एट एंड सिक्स टू द ट्वेल्व, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्वेंटी। उसके बाद हम ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब हम ए वाई का निकालेंगे तो टू थ्री फोर सिक्स मैट्रिक्स के साथ जो नोटेशंस हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइंस में। और उसके बाद जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, टू मल्टीप्लाई क्या आएगा, सिक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर, तो सिक्स टू द ट्वेल्व एंड फोर थ्री द ट्वेल्व, तो ये क्या आ गया, जीरो। अब हमने एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वेरिएबल के लिए हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपका न्यूमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट आएगा। तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, इसकी वैल्यू क्या है, 20, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 10। तो आफ्टर कटिंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब y के लिए क्या आएगा, a ऑफ y आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट किस में, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट, और इसका रिजल्ट क्या है, 0। 0 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, फिर आंसर क्या आएगा, 0। यानी x का आंसर आपके पास 2 आ गया, और y का आंसर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। और यही हमारा पीछे वाले मेन मेथड से भी हमारे पास यही आंसर आए थे। आप किसी भी मेथड से इस लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम है इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इन अननोन वेरिएबल के आंसर सेम ही आएंगे। चाहे आप मैट्रिसेस मेथड को यूज़ करें, इनमें मैट्रिक्स इन्वर्जन को यूज़ कर लें, या क्रैमर रूल को यूज़ कर लें, या इसके अलावा कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर लें, इन सब से इन अननोन वेरिएबल के आंसर्स क्या होते हैं, सेम आते हैं। सो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर वन के, वो सारे आप खुद सॉल्व कर लेंगी। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड चैप्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, उनकी डेफिनेशंस, उनके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।